हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम फहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल जोन एकेडमी। तो दोस्तों, कल का वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, लाइक्स एंड शेयर काफ़ी सारे आए हैं। तो बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, जिससे मैं और बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दे सकूं। तो चलिए हम सीरीज स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर वीडियोज़ की। तो जो रिसोर्सेज हैं इसके, द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो, अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स हैं दोस्तों ये। आज है 26 जून, और जैसे मैंने बताया, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, वेदर इट इज ए UPSC, PCS, EPFO, SSC, CDS, बैंकिंग, रेलवे, NEDC। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल डे के साथ। आज है 26 जून, और जो इंटरनेशनल डे है आज, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जो ऑब्जर्व किया गया था 26 जून 1989 को, ऑब्जर्व किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन। क्लियर। और इसकी जो थीम है दोस्तों, 2019 की थीम आ जाती है एग्जाम में, हेल्थ फॉर द जस्टिस एंड जस्टिस फॉर द हेल्थ। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोरियन वॉर, और एक पॉइंट है ये 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल, न्यूज़ में आखिर क्या है इसको देखते हैं। तो अभी जो साउथ कोरिया है, 70 एनिवर्सरी बना रहा है फॉर द कोरियन वॉर 1950 में कोरियन वॉर हुआ था, इसकी 17th एनिवर्सरी मना रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वीडियो मैसेज दिया है इस क्रमने के लिए। देखिए, साउथ कोरिया की कैपिटल याद रखना, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सोयल है, और जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल कौन सी है, प्योंगयोंग है। क्लियर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिकॉल भी किया है कि इन्होंने याद दिलाया है कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टू द रिपब्लिक ऑफ द कोरियन वॉर, जो वॉर हुआ था उसमें इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन था, और जो इन द सेंस डेवलपमेंट ऑफ द 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल, तो इसकी याद दिलाई 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल। तो ये न्यूज़ में कि आखिर है क्या 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल, तो इसके बारे में समझते हैं। विद द नॉर्थ कोरियन इन्वेजन, नॉर्थ कोरिया का इन्वेजन हुआ था किसमें, साउथ कोरिया में। ऊपर नॉर्थ कोरिया है, नीचे साउथ कोरिया है, और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन है जो 38 पैरेलल 9 डिग्री से डिवाइड है। क्लियर। तो ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। तो यहाँ ये नॉर्थ कोरिया का इन्वेजन हुआ था साउथ कोरिया में, तो उस टाइम वार हुआ था 1950 में। तो यूएन ने क्या किया था, यूएन ने एक पूरे वर्ल्ड को असिस्टेंट के लिए कॉल किया था, जिससे इंडिया डिसाइडेड नॉट टू गोट इन्वॉल्व द मिलिट्री। इंडिया ने क्या किया था, मिलिट्री में इन्वॉल्व नहीं होने के बजाय किसमें किया था, मेडिकल यूनिट में इन्वॉल्व हुआ था। क्लियर। और जिसका नाम था 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस। क्लियर। विच सर्व्स इन द कोरिया फॉर टोटल 4 ईयर्स, 4 साल तक इसने काम किया। तो कोरियन मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोइट, वहाँ की मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोइट एंड वेटरन्स अफेयर, उन्होंने क्या किया, अभी हमारे एक लेफ्टिनेंट AG रंगराजन है जो कमांडिंग ऑफिसर थे किसके, 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस के। तो इसको कोरियन वॉर हीरो के रूप में देखा गया है। क्लियर। तो ये हमारे को ये इनके पिक्चर है, क्या नाम है इनका, AG रंगराज। क्लियर। तो ये जो कोरियन वॉर हुआ था इसका क्या बोला गया, इनको कोरियन वॉर हीरो बोला गया। क्लियर। तो इसलिए न्यूज़ में याद रखना, तो इनका नाम याद रखना कौन है, AG रंगराज, और किस में थे, 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल। क्लियर। तो ये एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगले नेक्स्ट टॉपिक है, एक कॉन्क्लेव हुई है जिसको बोलते हैं, जैसे बोला गया डिफेंस कॉन्क्लेव 2020। ये कॉन्क्लेव कहाँ हुई है, ये हुई है आपकी गुजरात में हुई है, और 2-डे डिजिटल कॉन्फ्रेंस थी। क्लियर। और जो हमारे जो रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नायक, इन्होंने एड्रेस किया है गुजरात में, और इन्होंने बोला है कि दिस इज वेरी एक्सीलेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड कैन ऑफर बोथ द फॉरवर्ड वगैरह सप्लाई चैन लिंकेज। क्लियर। किसमें फ़ायदा कह सकता है ये सप्लाई चैन लिंकेज, क्योंकि यहाँ पे हमारे देखिए गुजरात है, ये कोस्टल लाइन है। क्लियर। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसका, ठीक है, लिंकेज काफ़ी सही है इसका ओशन से। क्लियर। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है फॉर द डिफेंस एंड द एरो स्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो कोस्ट लाइन है ये 16,000 किलोमीटर है। ठीक है, काफ़ी लंबी कोस्ट लाइन है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है UPPCS का और अदर एग्ज़ाम का, स्टेट PCS का, कि सबसे जो बड़ी कोस्ट लाइन है कौन से स्टेट की है। क्लियर। काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, तो ये कौन सा है, गुजरात।
ठीक है। अगर बात आ जाए यूनियन टेरिटरी, किस यूनियन टेरिटरी की कोस्ट लाइन सबसे ज्यादा है, क्लियर। कोस्ट लाइन क्या होती है बच्चों, ये जो एरिया सराउंडेड बाय द सी, क्लियर, इसको कोस्ट लाइन बोलते हैं। तो यूनियन टेरिटरी की बात अगर आ जाए तो यूनियन टेरिटरी में क्या होता है, यूनियन टेरिटरी में आपका आएगा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इसके ज्यादा एरिया है, क्लियर। तो ये पॉइंट रख रहे हैं दोस्तों। अगला है, एक है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, क्लियर। तो वैसे ही उत्तर प्रदेश के नाम से समझ में आ रहा है कहाँ पर है ये, कहाँ पर अभियान शुरू किया ये, ठीक है। मगर हमें क्या याद रखना, हमें इसकी डेट याद रखनी है। कुछ फैक्ट हैं जो स्टेट वाले एग्जाम में, चाहे पीसीएस का हो, एसएससी का हो, ठीक है, उसमें डायरेक्ट डेट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये कब लॉन्च हुआ है, 26 जून 2020, क्लियर। क्यों हुआ है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर आए हैं जो कोविड-19 का प्रकोप था, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट करने के लिए, तो एक ही अभियान चलाया है, ठीक है। और लॉन्च किसने किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है, और ठीक है, और कब लॉन्च किया है, 26 जून 2020, ठीक है। तो इसकी डेट याद रखनी है। चलिए अगला टॉपिक है आपका ई ब्लड सर्विस, एक ई ब्लड सर्विस लॉन्च की है, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे यूनियन मिनिस्टर ही है, ठीक है। इन्होंने क्या एक लॉन्च किया है, ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप है दोस्तों ये, क्लियर। और दिस ऐप इज डेवलप्ड बाय, ये ऐप किसने डेवलप किया, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है क्या, तो इसने डेवलप किया है। दूसरा, ये डेवलप्ड बाय द ई रक्तकोष, एक ये वेबसाइट है ई रक्तकोष की, ठीक है, इन्होंने डेवलप किया है। फॉर द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, कब किया था, 2015 में, काफ़ी एग्जाम में आता है ये, तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2015 में, क्लियर। तो अब देखते हैं कि ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आखिर है क्या। तो दोस्तों ये फॉर्मेशन जो हुआ था, ये फॉर्म्ड हुई थी 1920 में फॉर्म्ड हुई थी, और इट इज़ ए वॉलेंट्री ह्यूमनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका काम क्या है दोस्तों, इसको प्रोटेक्ट करना ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थी वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्ट करने का इसका, ठीक है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और जो इसके फर्स्ट सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी इस सोसाइटी के, कौन थे, बलवंत सिंह पुरी, क्लियर, याद रखना इस पॉइंट को, बलवंत सिंह पुरी इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, और प्रेजेंट में जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं आपके आरजे जैन, क्लियर। ये इसका सिंबल है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि ई ब्लड सर्विस किसने लॉन्च किया है, क्लियर, तो हमारे यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने किया है, और मोबाइल ऐप है ये, क्लियर, और डेवलप्ड बाय द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। चलिए अगला टॉपिक है सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन, ठीक है। बैम्बू काफ़ी न्यूज़ में था पहले, ठीक है, बैम्बू क्या है, बैम्बू में पहला हमारा क्या था, फॉरेस्ट में आता था ये, ठीक है, फॉरेस्ट में आता था। अब इसमें अमेंडमेंट करके ये किस में ले दिया, ये अपना एग्रीकल्चर में ले लिया, ठीक है, अब इसका प्लांटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये एग्रीकल्चर में आ गया, ध्यान रखना, ये पहले फॉरेस्ट में था। अब देखिए ये एक खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन, एक कमीशन है, क्या नाम है, खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्री कमीशन, इसने लॉन्च किया है सैंडलवुड एंड बैम्बू प्लांटेशन, ये इन्होंने लॉन्च किया है। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ द हाईली प्रॉफिटेबल वेंचर, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ऑफ द सैंडलवुड बैम्बू ट्री प्लांटेशन फॉर द मोनिटाइजेशन ऑफ द एसेट्स, एसेट्स को बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा ये। और ये ड्राइव कहाँ गया है, एक नासिक ट्रेनिंग सेंटर है, क्लियर, नासिक में एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर सैम्पलिंग स्टार्ट की है, कितनी, 500 सैम्पलिंग स्टार्ट की है दोनों की, सैंडलवुड की और बैम्बू की, क्लियर दोस्तों। अब ये स्पेशल वैरायटी ऑफ बैम्बू, एक बैम्बू है जिसका नाम है बम्बूसा तुल्दा, देखो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बम क्या नाम है इसका, बम्बूसा तुल्दा, क्लियर, बम्बूसा तुल्दा एक वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जिससे जो हमारी अगरबत्ती देखे होंगे ना, अगरबत्ती की स्टिक बनाई जाती है इससे, क्लियर, जो स्टिक होती है यहाँ पे स्टिक होती है, ठीक है, तो स्टिक बनाई जाती है अगरबत्ती की, क्लियर। और ये ब्रॉड कहाँ से गया था, ब्रॉड गया था असम से, तो ये बैम्बू हमारे कहाँ से आता है, असम से आता है, बट जो प्लांट किया है इसका, प्लांट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, क्लियर, तो यहाँ से रॉ मटेरियल आता है असम से, और यहाँ इसकी स्टिक बनाई जाती है महाराष्ट्र में, क्लियर। तो जो बैम्बू प्लांट है, ये हर 3 साल में क्या होता है, कम से कम 5 लॉक्स देता है, क्लियर, 3 साल में 5 लॉक्स देगा, और प्रोडक्शन ऑफ द बैम्बू लॉक्स डबल ईच ईयर,
तो मान लो कि 250 हैं, क्लियर, या 50 हैं, तो एक से 3 साल में कितना हो जाएंगे, अगर 5 लोग देगा तो कितने हो गए, 250 हो गए, ठीक है, 3 साल में 250 होगा, और अगले साल में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डबल हो जाएगा, तो इस तरीके से बढ़ता है ये, क्लियर। प्लांटेशन ऑफ द सैंडलवुड ट्री हैज हाई पोटेंशियल टू एक्सपोर्ट मार्केट, क्लियर, जो सैंडलवुड ट्री है ये किसमें, ये एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्लियर। तो इसका जो ऑयल भेजा जाता है कहाँ पर, डिमांड कौन कौन सी कंट्री में, चाइना में है, जापान में है, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA में इसके ऑयल की डिमांड है, यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। तो इसके बारे में और दोस्तों पढ़ लेते हैं कि बम्बूसा तुल्दा है क्या, ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो इंडियन टिम्बर बैम्बू है, इट इज़ कंसीडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बम्बू स्पेसीज, काफ़ी यूजफुल स्पेसीज है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है दोस्तों, कहाँ से पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कौन कौन से आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और जब बम्बूसा तुल्दा इज़ यूज एक्सटेंसिवली बाय द पेपर पल्प, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और देखो जो ग्रो होता है दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है 15 मीटर तक की होती है और थिकनेस 8 मीटर तक की होती है। ये वाला देखिए, ये आपका किसका पिक्चर है, ये आपका बम्बूसा तुल्दा का पिक्चर है, क्लियर, इस तरीके से ये। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं, अगला देखिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात आई तो इसको क्लियर करते चलते हैं। देखिए बैकग्राउंड में कोई भी अगर करंट अफेयर है तो उसका बैकग्राउंड के क्वेश्चन जरूर देखना आप लोग, ठीक है, उससे काफ़ी क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हुई आखिर है क्या ये, ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या आपका, ये साउथर्न रीजन है, क्लियर, पेनिनसुला ऑफ एशिया, एशिया का साउथर्न रीजन है, मोस्टली सिचुएटेड इन द इंडियन प्लेट, ज़्यादातर दोस्तों कहाँ पर है, इंडियन प्लेट में सिचुएटेड है मोस्टली, क्लियर, और प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द इंडियन ओशन में प्रोजेक्ट है फ्रॉम द हिमालय से, क्लियर। एक आपने सुना होगा कि एक यूरेशिया प्लेट होती है, प्लेट टेक्टोनिक्स हम पढ़ेंगे हम, ठीक है, जियोग्राफी में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, तो एक यूरेशिया की प्लेट है और इंडियन प्लेट से, तो मूवमेंट चलता है प्लेट्स के रूप में, काफ़ी हमारे जो वर्ल्ड है, ठीक है, इसको किस में बांटा गया है, कॉन्टिनेंट को प्लेट्स में बांटा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे एक यूरेशिया प्लेट है, ये काफ़ी बड़ी प्लेट है और ये हमारी इंडियन प्लेट्स है, क्लियर, तो इनका मूवमेंट हमेशा चलता रहता है, इनका मूवमेंट चलता रहता है, इसका नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट चलता है, इंडियन प्लेट का छोटी प्लेट है और ये प्लेट काफ़ी बड़ी प्लेट है, तो इसकी जो स्पीड है काफ़ी तेज, इससे काफ़ी तेज होती है, यूरेशिया की स्पीड थोड़ी कम है क्योंकि बड़ी प्लेट है, ये ड्रिफ्ट होता जा रहा है, अभी भी ड्रिफ्ट हो रहा है, तो ये हमारी यहाँ से टच है, क्लियर, यहाँ से ये इंडियन प्लेट इस तरीके से टच है ये, तो जैसे ही ये मूवमेंट चलता है, और ये मूवमेंट चलता है आपने सुना होगा कि अर्थक्वेक आ गया, क्लियर, तो अर्थक्वेक क्या होता है दोस्तों, जो प्लेट्स का मूवमेंट जो आपस में टकराती हैं उससे अर्थक्वेक आता है, तो आपने सुना होगा हिमालय में ही क्यों अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, हिमालय में इसका रीज़न ये है कि दोस्तों दो प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में, कन्वर्जन हो रहा है, देयर द कन्वर्जन ऑफ द टू प्लेट्स, तो पहली प्लेट्स कौन सी, इंडियन प्लेट्स का हो रहा है, और एक बड़ी प्लेट्स जो है यूरेशिया प्लेट का कन्वर्जन हो रहा है, क्लियर, तो जैसे ही ये टकराती है तो इसमें कुछ 1 ईयर में कुछ 5 सेंटीमीटर कुछ सेंटीमीटर हमारे हिमालय क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है, मतलब ऊपर उठता है, ये प्लेट टकराई, ये प्लेट टकराई, ठीक है, तो हिमालय यहाँ पे हमारा न्यू फोल्ड हिमालय है, तो जैसे टकराती है तो हिमालय का हमेशा क्या है, अपलिफ्टमेंट होता रहता है, हर साल में ऊँचा होता रहता है, क्लियर, इसलिए कहा जाता है कि हिमालय काफ़ी ऊँची चोटी पाई जाती है, तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर क्या होता है, ये टकराती हैं प्लेट्स और हमारा जो हिमालय जो मलबा है तो यहाँ से क्या होता है दोस्तों, अपलिफ्टमेंट होता रहता है, ऊँचा उठता रहता है, क्लियर, हर साल कुछ लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास ऊँचा उठता है, क्लियर, और यही अर्थक्वेक का रीज़न है जो हिमालय में ज़्यादा आते हैं, क्लियर। तो देखिए ज्योग्राफिकली अगर इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो ज्योग्राफिकली क्या है आपका, रिलेटेड द लैंड मासेस देयर रिफ्टेड द गोंडवाना, ये वाली प्लेट से कहाँ से आई है, ये गोंडवाना से आई है, ठीक है, और मर्ज किसके साथ कर रही है दोस्तों, यूरेशियन प्लेट, जो मैंने बताई आपको ये यूरेशियन प्लेट है, इससे मर्ज कर रही है, क्लियर। अब ये तो ज्योग्राफिकली बता दिया मैंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट क्या है, अगर पॉलिटिकली देखेंगे तो इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, लगभग बांग्लादेश आ गई, भूटान आ गया, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये दोस्तों पाकिस्तान हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, लक्षद्वीप, ये सब जो है ये इंडियन कॉन्टिनेंट में आपके आती है, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में। अब देखिए हम एक वर्ड हम अभी जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री आखिर क्या है, तो देखो इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं, करंट अफेयर अगर है तो अगर तीन स्टेटमेंट दे रखा है तो दो तो करंट के हो गए,
कुछ एक बैकग्राउंड का पूछ लेता है। क्लियर। तो अभी हमने केबीआईसी पढ़ा था, तो इसका देख लेते हैं आखिर है क्या ये। केबीआईसी दोस्तों क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए दो चीज़ होती है, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। क्लियर। तो पहले इसको समझ लेते हैं आखिर स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है, अगर कोई भी बॉडी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन से बनी है, मानो आर्टिकल के तहत बनी है, मान लो कि आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 3280 है, अगर किसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के तहत कोई बॉडी बनाई गई है तो वो बॉडी कहलाती है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। जैसे फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन क्या है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, 280 आर्टिकल के तहत बनी है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो जो पार्लियामेंट एक्ट के तहत बनाई जाती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका कोई आर्टिकल नहीं है, क्लियर, तो उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। क्लियर। जैसे आपने देखा होगा प्लानिंग कमीशन काफ़ी न्यूज़ में था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके क्या गया है, नीति आयोग बनाया गया। क्लियर, नीति आयोग बनाया गया। तो जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारी कौन सी बॉडी है, वो या प्लानिंग कमीशन अब तो नीति आयोग हो गया, तो क्यों कौन सी बॉडी हो गई दोस्तों, ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। क्लियर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन का जो आता था पहले, कि प्लानिंग कमीशन हमारी कौन सी बॉडी है। क्लियर, तो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर, और यह नीति आयोग, ठीक है। तो देखिए, तो हाँ, तो केबीआईसी जो है आपकी, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्लियर, जो ओपन हुई, जो ठीक है फॉर्म्ड हुई थी 1957 में हुई थी, डेट याद रखना, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो हाँ देखिए मैंने बताया ना, ये एक एक्ट है। क्लियर, तो एक्ट क्या दोस्तों, एक्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956। क्लियर, तो ये एक्ट के तहत है। तो एक्ट दोस्तों याद रखना 1956 का है, मगर फॉर्म्ड कब हुई थी ध्यान, इसमें यही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। क्लियर, तो एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो जो हम देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे कमीशन एक्ट कब आया है ना, अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की कब एक्ट आया, तो एक्ट आया हमारे 1956 में, मगर जो फॉर्म्ड हुई है वो 1957 में फॉर्म्ड हुई है। क्लियर, और देखो ये भी आ जाता है क्वेश्चन, काफ़ी मिनिस्ट्री, काफ़ी यूपीएससी में तो काफ़ी स्टैंडर्ड है, कोई सी भी दे दिया जाएगा उसकी मिनिस्ट्री पूछ लिया किसके अंडर में आती है, तो ये किसके अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंडर में आती है। इसका एम क्या है दोस्तों, एम क्या है, रूरल एरिया के लिए, किसके लिए, प्लान प्रमोट फैसिलिटी ऑर्गेनाइज एंड असिस्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री। क्लियर, तो किसके डेवलपमेंट के, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इन द रूरल एरिया। क्लियर, तो चलिए अगली साइड पे चलते हैं। हाँ ये अभी ये न्यूज़ में है, पीएडीसी क्या है, पीएडीसी आखिर क्या है, पीएडीसी क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, देखिए काफ़ी सर्च करके, मतलब काफ़ी सेलेक्ट करके क्वेश्चन ये मैंने निकाले हैं। क्लियर, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। क्लियर, आखिर ये है क्या, पीएडीसी। तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, कौन है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं। इन्होंने इनोग्रेट किया है, क्या इनोग्रेट किया, प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर। देखिए डायरेक्ट फुल फॉर्म जो एसएससी हो गया या स्टेट वाले एग्जाम में डायरेक्ट इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। क्लियर, तो पीएडीसी क्या है, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, और ये प्रदीप उड़ीसा, प्रदीप क्या वहाँ का स्टेट है उड़ीसा का, तो वहाँ पर क्या है लॉन्च किया है। क्लियर, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, और ये सेटअप बाय द, किसने सेटअप किया दोस्तों, इंडियन ऑयल एट द प्रदीप, इंडियन ऑयल ने सेटअप किया है। इसकी चार लेबोरेटरी है, ध्यान रखना, इसमें कितनी लेबोरेटरी है, चार हैं, ये पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब है, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब है, केमिकल एनालिसिस लैब है, और कैरेक्टराइजेशन लैब है। क्लियर, इसमें चार लैब हैं, और दूसरा ये रिकॉग्नाइज किस लिए है दोस्तों, ये है रिसर्च सेंटर के लिए, ठीक है, और ये कौन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR, और किसके अंडर में आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, यहाँ पे रिसर्च सेंटर है ये। क्लियर, और विल एक्ट एज ए इनकम्बेशन सेंटर होगा फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इन द अराउंड उड़ीसा इन द फील्ड ऑफ द प्लास्टिक। क्लियर, तो दोस्तों किसके लिए है, इन द फील्ड ऑफ द प्लास्टिक में वर्क होगा, और सेंटर विल रेंडर द असिस्टेंट टू द कस्टमर एंड इन्वेस्टर,
किसको असिस्ट करेगा, ये कस्टमर को भी करेगा और इन्वेस्टर भी करेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द पॉलीमर फिनिश प्रोडक्ट। अब जैसे पॉलीमर फिनिश प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे दोस्तों फर्नीचर हो गया, मोल्डेड हाउसवेयर हो गया, है ना, पैकेजिंग सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, हेल्थ केयर एप्लीकेशन जैसे बेबी डायपर बनते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव सूट हो गया, PPS, है ना, काफ़ी PPE काफ़ी न्यूज़ में, अब तो काफ़ी प्रोडक्शन हो गया इंडिया में, क्लियर, और मास्क वगैरह इन सब के लिए यूज़ होगा ये बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा एक जो वहाँ के उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर साहब हैं नवीन पटनायक जी, क्लियर, ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये नवीन पटनायक जी हैं, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है वहाँ की है। और दिस सेंटर विल नॉट ओनली परफॉर्म ए प्राइवेट रोल डेवलपिंग द न्यू मटेरियल इनोवेटिव एप्लीकेशन, इट विल आल्सो हेल्प द इन्वेस्टर टू सेटअप द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द प्लास्टिक एंड पॉलीमर। देखिए तो इन्होंने काफ़ी खुश हुए, इन्होंने अपना हैप्पीनेस एक्सप्रेस किया है, इन्होंने बोला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द प्लास्टिक एंड पॉलीमर इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्लियर। तो चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं, प्रपोज इलेक्ट्रिसिटी एक बिल है दोस्तों, अभी प्रपोज किया जा रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। तो क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, ये न्यूज़ में इसलिए है कि ये काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, स्टेट पावर एंड MNRE हैं, कौन है, श्री RK सिंह, तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिन्होंने ये बताया कि वी आर नॉट टेकिंग अवे एनी पावर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो जो बहुत सारे राज्य हैं तो सोच रहे हैं कि हमारी जो पावर है थोड़ी कम हो जाएगी, तो उन्होंने बोला वी आर नॉट टेकिंग अवे, हम इनकी पावर कमज़ोर नहीं कर रहे हैं, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ठीक है। और इन्होंने बोला कि दिस इज प्रपोज्ड फॉर द रिफॉर्म, इसमें बस रिफॉर्म ला रहे हैं फॉर द मोर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको लाया जा रहा है, क्लियर। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है स्टेट को, तो ये इन्होंने एक एड्रेस किया है। दूसरा क्या है कि इट आल्सो मेंशंस देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन, हाँ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, इन्होंने ये भी बोला कि स्टेट को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा प्रोवाइडिंग द सब्सिडी, जो सब्सिडी देती है स्टेट, ठीक है, तो इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, बट इसमें क्या होगा, दे मस्ट पे इट थ्रू द DBT। तो इसमें क्या डाल रहे हैं, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे आपने देखा होगा जो सिलेंडर भरवाते हैं हम, क्लियर, जब सिलेंडर भरवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा पूरा पैसा जमा होता है, क्लियर, अगर 800 रुपये का सिलेंडर है तो 800 रुपये ही दिए जाएंगे, बाकी जो आपको जो इसका जो सब्सिडी मिलेगी वो सब्सिडी आपके DBT में आएगी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, जो आपने, ठीक है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर जाता है, जो राशन कार्ड जो भी होता है, और यहाँ से आपको DBT आपके अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, मान लो 200 रुपये गए तो आपके पास में 200 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसको बोलते हैं DBT, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहे हैं, यहाँ पे कम नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वही था, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही DBT यूज़ किया है, ठीक है, सीधा ही किया जाए, उनके अकाउंट में पैसा जाए, किसी कोई बीच में कोई इसको, ठीक है, करप्शन ना हो, तो इसलिए ये DBT की बात की है। और सो दैट क्यों, डिस्कॉम रिमेन हेल्दी, इससे क्या होगा दोस्तों, डिस्कॉम रिमेन हेल्दी, ये डिस्कॉम क्या है, मुझे याद है डिस्कॉम क्या है, 2016 या 2017 में इसके ऊपर डायरेक्ट UPSC में क्वेश्चन आया था, और क्या आया था, सिंपल एक स्टेटमेंट का, डिस्कॉम आखिर है क्या, क्लियर। तो इस डिस्कॉम को पढ़ेंगे क्या है, इसको कैसे हेल्दी बनेगा ये। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, इसका हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, क्या क्या फीचर हैं जो ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो क्या करना चाह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं इंश्योर द कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, मतलब कंज्यूमर को फ़ायदा हो उसके लिए, प्रमोट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारी कंपनी इसमें अपना काम कर सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है, काफ़ी ईजी तरीके से। दूसरा, इन्हेंस द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द पावर सेक्टर की एक इन्हेंस द सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, पावर हो। दूसरा, प्रमोट द ग्रीन पावर, ठीक है, और ग्रीन एनर्जी हो, क्लियर। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, डिस्कॉम ये एग्जाम में आया हुआ, UPSC में सीधा एग्जाम में आया था कि डिस्कॉम है क्या, डिस्कॉम एश्योरेंस योजना है क्या। तो सिंपल क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ इंडिया इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसको पैकेज देने के लिए, किसके लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको पैकेज देने के लिए एक ही एश्योरेंस योजना बनाई थी, डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। तो डायरेक्ट ये स्टेटमेंट था दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन में, तो ये इसका आंसर था, क्लियर। और इसका इंटेंशन क्या है, टू फाइंड द परमानेंट सॉल्यूशन इन द फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है, क्लियर, तो उसको फिलअप करने के लिए इसका इंटेंशन है। और इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2015 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, क्लियर।
हाँ तो दोस्तों ये एक देखिए ये वर्ड ये डायरेक्ट आ जाते हैं ना, क्या ये कोकोलिथो फोर्स आखिर है क्या ये दोस्तों एंशियंट मैराइन एल्गी है। क्लियर, ये न्यूज़ में क्यों है? अभी एक रिपोर्ट जारी की है, किसने की है? एनसीपीओआर, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। एनसीपीओआर क्या दोस्तों? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, इन्होंने बोला है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओशियन कार्बोनेट, ओशियन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, देखो हमारे जो ओशियन है इसमें ज़्यादातर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं। तो क्या हो रहा है अभी फिलहाल में, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, और कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? साउथर्न इंडियन ओशियन में डिक्रीज हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है? डिक्रीज होने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अनोदर सिंगल सेल एल्गी। ठीक है, डायटम्स भी एक सिंगल सेल एल्गी है, और दोस्तों ये भी एक एल्गी है, कोको लिथोफोर्स ये भी सिंगल सेल एल्गी है और डायटम्स भी सिंगल सेल एल्गी है। तो इसका तो इंक्रीमेंट हो रहा है डायटम्स का, मगर इसका डिक्रीमेंट हो रहा है। और इसके डिक्रीमेंट से क्या काम हो रहा है दोस्तों? डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैराइन जीव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, उसकी ठीक है, उसके मैराइन इकोसिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आखिर है क्या ये कोकोलिथोफोर्स? ये दोस्तों क्या है? ये भी एक सिंगल सेल एल्गी है। ठीक है, डायटम भी एल्गी है और ये भी एक दोस्तों ध्यान रखना सिंगल सेल एल्गी है। लिविंग इन द अपर लेयर ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन में पाया जाता है। क्लियर, और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि इसमें मैराइन इकोसिस्टम, जो हमारे समुद्र का इकोसिस्टम है, बहुत सारे इकोसिस्टम का मतलब क्या हो गया, जितने भी जीव रह रहे हैं या पौधे रह रहे हैं सब एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, उसको ये मैराइन इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और किस में करता है दोस्तों? ग्लोबल कार्बन साइकिल में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्लियर, अभी दोस्तों क्या है ये कोकोलिथोफोर्स क्या है? कैल्सिफाई मैराइन, ये कैल्शियम जनरेट करता है दोस्तों, और क्या करता है? 40% ऑफ द ओपन कैल्शियम कार्बोनेट, ये कम से कम 40% यहीं से प्रोड्यूस होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, और 20% ऑफ द ग्लोबल नेट मैराइन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्लियर, और पूरे अगर पूरे वर्ल्ड में देखेंगे ओशन में तो कितना करता है? 20% करता है। तो दोस्तों द रिसर्च टीम, जो रिसर्च टीम उन्होंने एनालिसिस किया है, रिवील्ड किया है द रिडक्शन ऑफ द कोकोलिथोफोर्स डाइवर्सिटी इन द अर्ली समर। जो रिडक्शन हो रहा है दोस्तों इस एलगी का, जो रिडक्शन हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है? अर्ली समर, समर से पहले होता है और लेट समर पीरियड में होता है। ठीक है, दिस ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ द डायटम एल्गी। तो दोस्तों जब अर्ली समर आते हैं और लेट समर पीरियड में डायटम का इंक्रीमेंट होता है ना, जब हमने ऊपर ही पढ़ा डायटम का जब इंक्रीमेंट हो रहा है और इसका डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका क्या होता है? डिक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो देखो मैराइन इकोसिस्टम में दिक्कत होगी। क्लियर, तो इसका यही रीजन है। विच अगर्स आफ्टर द सीड्स ब्रेक डाउन क्लाइमेट चेंज एंड द ओशियन एसिडिफिकेशन। देखिए दोस्तों ओशियन एसिडिफिकेशन क्या होता है? एसिडिफिकेशन वर्ड होगा, जैसे आपके पास में आप जैसे जहाँ आप रह रहे होंगे वहाँ कोई नाला वगैरह होगा, नाले का पानी कहाँ जाता है? नदी वगैरह में जाता है। ठीक है, तो देखा होगा नदी में साइड में ग्रीन कलर के एल्गी हो जाते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों? यहाँ से जितने भी केमिकल जाते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, तो यहाँ पर नदी के पास में क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाते हैं। तो जो एल्गी की होती है, एल्गी की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, एल्गी की जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है तो जो एल्गी हमारे अभी तो फ़ायदा कर रहा, मगर जब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों तो यहाँ पर क्या होगा? एल्गी का डिसइंटीग्रेशन, टूटना शुरू हो जाएगा और वो गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एल्गी ब्लूम, वो रेड कलर का होता है। एल्गी ब्लूम क्या करता है? एल्गी ब्लूम से क्या होता है, जो हमारे मैराइन एनिमल्स हैं, जो हमारे मान लो नदी या नाले नदी में मैराइन एनिमल्स हैं दोस्तों, तो क्या होता है उनको, जो होता है उनको जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम पड़ती है। ठीक है, वो डिजोल्व ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है और वो सफोकेशन से मरने लगते हैं, उसको बोलते हैं एल्गी ब्लूम, और यही आपका ओशियन एसिडिफिकेशन होता है। क्लियर, तो साउथ रीजन में साइंटिस्ट आल्सो एनालाइज, उन्होंने और एनालाइज किया है कि जो मैक्सिमम कोकोलिथोफोर्स डाइवर्सिटी है ड्यूरिंग द मिड समर में, जो देखिए दोस्तों जो कम होती है वो अर्ली समर में होती है, और जो बढ़ती है ये कब बढ़ती है? मिड समर में बढ़ती है। क्लियर, चलिए दोस्तों अगली स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों एक वर्ड पढ़ा था, ये देखिए इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। NCPOR क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों इसका जो पहला नाम था दोस्तों, इसका नाम था NCAOR। क्लियर,
और अब क्या नाम है इसका, NCPOR, बस एक ही जगह क्या हो गया, पी हो गया, ध्यान रखना, क्लियर। तो इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, पहले इसका नाम था दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, बस इतने ही फर्क है, बाकी नेम चेंज हो गया है, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, इट इज एन इंडियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है ये। और दोस्तों ये सिचुएटेड कहाँ पर है, वास्को डा गामा गोवा में, ठीक है, गोवा में सिचुएटेड है। और ये दोस्तों ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंडर में आता है दोस्तों, ये डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट, क्लियर, ये डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट में आता है। और किस मिनिस्ट्री में आता है ये डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस में आता है, क्लियर। तो ये सब डिपार्टमेंट और इसके क्या है मिनिस्ट्री पूछ लेते हैं, क्लियर। और हाँ, और देखिए इसका काम क्या है दोस्तों, इसका काम है रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, ये इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम मेंटेन द इंडियन अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन। देखिए आप ग्लोब देखेंगे, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है और साउथन हेमिस्फीयर है, क्लियर, ये साउथन हो गया, नॉर्थन हो गया, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है, यहाँ पर आपका आर्कटिक है, ठीक है, आर्कटिक है, ये ग्लेशियर हैं दोस्तों। तो अंटार्कटिका में क्या पूरा बर्फ वगैरह है, तो यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस हैं, ठीक है, रिसर्च स्टेशन है हर काफ़ी सारी कंट्रीज के हैं, तो हमारे इंडिया के भी रिसर्च स्टेशन है यहाँ पर, क्लियर। अब आ जाता है हमारे जो अंटार्कटिका में हमारे जो रिसर्च स्टेशन है दोस्तों, नाम है उनका भारतीय और मैत्री है, क्लियर, याद रखना भारतीय और मैत्री यहाँ पर हमारे रिसर्च स्टेशन है। और जो दोस्तों NCPOR इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था। और देखिए इसका जो डॉक्टर प्रेमचंद पांडे जी इसके को फाउंडर हैं, और जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं दोस्तों वो हैं डॉक्टर एम रविचंद्रन, क्लियर, तो याद रखना NCPOR, क्लियर। अगली स्लाइड पे चलते हैं, अभी कुछ स्ट्राइक चल रही है जो स्टूडेंट यूनियन की, ये क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, ये न्यूज़ में EIA इन्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लियर। ये अभी क्यों न्यूज़ में, अभी कुछ स्ट्राइक चल रही है, क्या हुआ है, अब एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का 2020 में, क्लियर, तो इसके लिए चला। अब क्या नोटिफिकेशन क्या है, अभी नोटिफिकेशन में क्या है, देखिए दोस्तों ये अभी ओपन है पब्लिक कमेंट के लिए, पब्लिक अभी कमेंट कर सकती है कि जो प्रपोज किया क्या सही है, क्या आपकी राय है, ठीक है, तो अभी ओपन है। और ये अभी और किसको अपडेट, हाँ अभी अपडेट किसको कर रहे हैं दोस्तों, एक हमारा 2006 में आया था, ये क्या आया था, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में आया था, उसको कुछ अपडेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ, ठीक है, ओपन कमेंट आ रहे हैं, तो अभी कुछ स्टूडेंट ने कुछ स्ट्राइक किए। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो ड्राफ्ट है, जो प्रपोज ड्राफ्ट है, इसमें क्या चेंजेस कर रहे हैं, इसमें जो है दोस्तों पीरियड ऑफ द पब्लिक कंसल्टेंस, जो पब्लिक का कंसल्टेंस है उसके पीरियड कम कर रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ द 40 डेज है, इसको रिड्यूस करके दोस्तों कितना करें, 30-20 डेज कर रहे हैं, अभी मैक्सिमम कितना था 40 था, तो इसको कितना कर रहे हैं दोस्तों, 30-20 डेज का टाइम कर रहे हैं। तो यही इसका रीज़न है कि इसका जो टाइम कम कर रहे हैं, ठीक है, पब्लिक कंसल्टेंसी के लिए, तो इसलिए इसका ये कुछ स्ट्राइक चल रही है। तो आइए चल हमारे देखते हैं कि आखिर होता क्या है, ये क्वेश्चन हम ये इस तरीके से आ जाता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, बैकग्राउंड में क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर, तो इसके बारे में जानते हैं आखिर है क्या ये। तो इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री, देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन हो जाता है UPSC में, मिनिस्ट्री के बारे में पूछ लेता है डायरेक्ट कि ये किसकी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो ये आता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, इसके अंडर में आता है। और ये एक ऐसा टूल है जो मिनिमाइजिंग द एडवर्स इम्पैक्ट, जो रैपिड इंडस्ट्रियल है आज के टाइम में, बहुत दोस्तों बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बढ़ रहा है तो क्या उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है अपने इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको असेस करने के लिए बनाया गया है, कोई भी इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट खोल रहे हैं, तो उसका इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो उसका असेसमेंट चलता है, तो उसी के लिए बनाया गया था ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2006 में। और इससे पहले ये पहले बनाया गया था, बाकी इसको अमेंड किया था 1994 में आया था, क्लियर। और एक ये किसके प्रोविजन के तहत आया था, ठीक है, ये किसके प्रोविजन के तहत आया था, हमारे एक प्रोटेक्शन एक्ट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी स्टेट एग्जाम के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, एग्जाम हो गए और SSC बैंकिंग सब में पूछ लेता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 1986 में आया, तो इसके प्रोविजन के तहत ये वाला आया था नोटिफिकेशन, क्लियर। चलिए, हाँ,
एक किरण है, किरण नाम से तो लग रहा है कि हाँ लेडीज है, मगर ये मेल हैं, ठीक है। और मेल कौन है, ये हमारे जो है रॉयल बंगाल टाइगर, ये जो है ठीक है, इनका नाम किरण है, ठीक है। तो ये 8 साल के हैं, तो अभी फिलहाल में इनकी डेथ हो गई है। और दोस्तों कहाँ पर हुई है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो ये किरण जो है इनकी डेथ हुई है नेहरू जूलॉजिकल पार्क में। प्रॉब्लम क्या थी दोस्तों, इनको न्यू प्लास्टिक ट्यूमर था इनके जबड़े में, ठीक है, 3 महीने से। और इनके फादर भी हैं, इनके फादर और ग्रैंडफादर थे, ठीक है, जिनके ग्रैंडफादर का नाम था रुद्रा, ये भी सिमिलर डिसीज की वजह से मरे थे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं, क्लियर। तो नेहरू जूलॉजिकल पार्क काफ़ी न्यूज़ में कहते हैं ना कि बहुत सारे, इतने सारे हमारे पार्क हैं, इतने सारे, ठीक है। तो जो न्यूज़ में दोस्तों, जो न्यूज़ में चलता है वही है तो एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारे पार्क हैं, ठीक है, बायोस्फेयर हैं। तो जो अभी न्यूज़ में क्या है, जैसे नेहरू जूलॉजिकल पार्क, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि आखिर कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये जो भी है, ठीक है, लोकेटेड नियर द मीर आलम जगह है, मीर आलम टैंक हैदराबाद में, क्लियर। तो ये पार्क कहाँ पर है दोस्तों, हैदराबाद, जो तेलंगाना इसकी कंट्री है, ठीक है, स्टेट है, सॉरी। इट नेम आफ्टर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो देखिए नाम से ही लग रहा है नेहरू जूलॉजिकल पार्क। तो किसके नाम से दिया गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से दिया गया। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों, 1959 में। देखिए कितना इतना फर्क हो जाता है, यहाँ पे इस्टेब्लिश में पूछा गया है, ठीक है, शब्दों का फेर है, ठीक है। ओपन क्या हुआ है 1963 में, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन मत हो जाना, जो ओपन हुआ था 1963 में हुआ था, और जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों 1959 में हुआ था, क्लियर। तो दोस्तों थैंक यू एवरी वन, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, फॉलो ऑन द फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। दोस्तों जो फ्री जो पीडीएफ है दोस्तों, आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी जो भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ टेलीग्राम मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर जितने मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पर आपको पूरी पीडीएफ फ्री अवेलेबल होगी, क्लियर। और देखिए जो भी नए व्यूअर्स हैं, या ठीक है, नए इस यूपीएससी या इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी चीज़ पढ़ाया जाता है उसका आपके पास मटेरियल स्टोर होना चाहिए, क्लियर। जैसे ही एग्ज़ाम आए वो आपका रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है टेलीग्राम से जो पीडीएफ मैंने पढ़ाई है इसको डाउनलोड कर लीजिए, और अपने ठीक है उसको जब भी एग्ज़ाम आए उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।